ये नेक्स्ट मॉड्यूल है एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन के और यहाँ पे जो जिक्र किया जाएगा वो बी स्केलेटल मसल का ही होगा और इसमें लेकिन ये ये ज़्यादातर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर उसका जिक्र करेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्स द प्लेसमेंट ऑफ मसल्स प्रोटीन्स क्योंकि जब हम बात करते हैं मायोसिन की मायोसिन इनफैक्ट इट इज़ इट इज़ कंपोज मायोसिन Fiber, myosin filament, it is composed of myosin molecules, which are protein in nature. Similarly, actin, actin filament is composed of actin molecules, which are, uh, the, which are again proteins. So, this electron microscope, uh, microscope that reveals the details of A and I band in terms of the proteins. Now, this is the difference between uh, the. बिटवीन दी स्ट्रक्चर बिटवीन द एक्सप्लेन ऑफ एक लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की जो कि एक्टिन और मायोसिन मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें उसी तरह ए बैंड ए बैंड जो है जिसके अंदर विच इज एनाइसोट्रोपिक बैंड जो कि जी जार्कोमियर के सेंटर uh, में है और मायोसिन इज कम्पोज ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल्स और uh, इसी तरह एक्टिन भी एक्टिन मॉलिक्यूल्स होंगे और uh, uh, ये ये हमने पहले भी बात कर चुकी कर चुके कि मायोसिन इज सराउंडेड बाय सिक्स एक्टिन फिलामेंट्स सिक्स एक्टिन फिलामेंट्स नाउ दिक फिल्मेंट विच इज आल्सो कॉल्ड एज माओफिलामेंट इज़ में इट इज अबाउट सिक्सटीन एन एम इन डायमीटर और और एक्टिन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेवन टू एट नैनोमीटर इन डायमीटर हैं ईच मायोसिन मॉलिक्यूल हैज़ ए टेल अब ये चीज़ हमने देखनी है क्योंकि हमने मॉलिक्यूल का जिक्र कर रहे हैं और इस डायग्राम में दिस पार्ट ऑफ इट इट रिप्रजेंट्स मायोसिन और ये जो दिस पार्ट ऑफ इट दैट रिप्रजेंट्स एक्टिन और इसका ताल्लुक है बाई दीज यू कैन से जिसे हम कहते क्रॉस ब्रिजिस जो इसके साथ ताल्लुक़ है और ये एक तो है कि मॉडल बनाया गया है ताकि हम इंट्रैक्शन देख सकें मायोसिन को एक्टिन के साथ ना इन नेक्स्ट डाइग्राम ना दिस इज मायोसिन दिस अ मायोसिन मॉलिक्यूल जिसके अंदर दिज आर लॉन्ग यू कैन से रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और दि इज ए स्ट्रेट द्रोटीन और इसके साथ दीज आर द प्रोजेक्शन विच आर टू इन नंबर सो इट विल एक्ट एज क्रॉस ब्रिजेस। तो माया मॉलिक्यूल ऑफ दिस इज ऑफ थिक फिलाेंट अब इसी वी फर्दर एंड लार्ज इट तो ये स्ट्रेट लाइन जहाँ पे यहाँ थी दे आर इन फैक्ट दे आर द प्रोटीन जो के दो मॉलिक्यूल्स हैं जो के एक दूसरे के साथ लिपटे हुए और जबकि ये हिस्सा जो है ये ये दो वी कॉल इट एज दीज आर तो ये बहुत सारे एक मायोफाइबर एक एक मायोसिन फिलामेंट के अंदर दे हंड्रेड्स ऑफ सच हंड्रेड्स ऑफ सच मॉलिक्यूल्स सो दिस इज इन फैक्ट थिक फिलामेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये तो मायोसिन को हमने एक्सप्लेन कर चुके और इस डायग्राम में देखें दीज आर आर मायोसिन मॉलिक्यूल्स और इसके अंदर ये उसके हेड है और ये इसके टेल है जबकि अब हम बात करते हैं एक्टिन की एक्टिन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक तस्वीर को हम ट्विस्ट कर दें और ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर दी एक्टिन मॉलिक्यूल्स और ये दो चेन्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड हैं और इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ और प्रोटीनस भी हैं जी कुछ तो और ट्रोपोनिन है ट्रोपोमायोसिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं और जिनका हम जिक्र करेंगे अगले मॉड्यूल्स के अंदर और इसका रोल है इन पर्टिकुलरली इन द कंट्रैक्शन व्हेन द जी लाइंस हाउ दे आर ब्रॉड क्लोज टू जैसे हम फिर कंट्रैक्शन का जिक्र करते हैं और इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये क्रॉस ब्रिज जो कि एक्टिन के साथ अटैच होता है और यही है इनफैक्ट इस कंट्रैक्शन की बेसिक या क्रक्स जो है वो यही है जो उसको फिर पुल करेगा पुश करेगा तो ये तमाम चीज़ें जो हैं जो हम इस डिटेल में इस दो दिस इज़ ए मॉडल ये मॉडल है ये एक डायग्राम है जिसे हम कम्प्लीटली उसको समझने की कोशिश की गई है